नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, CSIR सेंट्रल ग्लास एंड द सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका हूँ। इसको स्क्रॉल करिएगा करियर पेज पर, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और दूसरे नंबर पर लिंक फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन एंड द टेक्निकल असिस्टेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022। तो ये लिंक है अप्लाई करने के लिए, और ए है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन एंड द टेक्निकल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड, यहाँ पर दिया एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसको देखिए क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से आप लोग जो है पहले पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने CSIR सेंट्रल ग्लास एंड द सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एडवर्टाइजमेंट है उसको मैंने खोल रखा है, जिसमें यहाँ पर आप देखिए लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई तक है। 31 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, देखिए टेक्नीशियन के लिए मांगा गया है क्या, तो टेंथ में 55% मार्क्स, और यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में। तो यहाँ पर जैसे कि टोटल पोस्ट 5 है T01 कोड में, जिसमें कि यहाँ पर आपको मांगी गई है फीटर में, तो इस तरह से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस में आपको 3 पोस्ट हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट भी आपको रखी गई है, और एक पे लेवल है, लेवल 2 का जॉब है, और देखिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। लास्ट डेट जो कि 31 मई तक है उसके अनुसार। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको जो है ऑटोनोमस बॉडी अंडर यहाँ पर आपको चाहिए, तो इस तरह से केमिकल प्लांट के लिए है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का अलग से निकला हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ITI देखिए सब में मांगा गया है, जो टेक्नीशियन पोस्ट है। तो इस तरह से आप लोग सभी अपने अपने ब्रांच का देख सकते। यहाँ पर ड्रॉट्समैन मैकेनिकल का है, देखिए एक ही सीटें हैं। उसका देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 2, यहाँ पर टोटल 7 सीटें हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एक टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिप्लोमा 2 और 3 साल का चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। तो लेवल 6 का जॉब है, जो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 28 साल रखी गई है, और ये आपको पे लेवल है 35,400 से 1,12,000। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें 5 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, बस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसी तरह से देखिए मैकेनिकल में भी कुल मिलाकर यहाँ पर 4 सीटें हैं, लेकिन डिप्लोमा तो चाहिए ही, मैकेनिकल में 3 साल का या फिर 10+2 के बाद 2 साल का, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है, कि सेरामिक्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, केमिकल के लिए है। उसका देखिए BSc इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केमिकल एनालिसिस में, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो इस तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, BSc के लिए अलग से वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 7th पे कमीशन के अनुसार यहाँ पर होगा। तो देखिए, ऑल ओवर इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले आप लोग जरूर जो है इस फॉर्म को भर लीजिए, अगर आप एलिजिबल्स हैं तो। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह है सब कुछ जो है लास्ट डेट तक ही काउंट की जाएगी, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। उसके रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल जो एज में मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट है cgcri.res.in पे, जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया था। ₹500 का आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जमा करना होगा, जो कि आप जो है नेफ्ट RTGS के थ्रू जो है, या फिर आप इस मोड से बैंक में थ्रू आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, द समरी सीट जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन शुड बी प्रिंटेड एंड ड्यूली साइन। द ड्यूली साइन समरी सीट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी द सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसको आपको भेज देना है। इसको ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन यहाँ पर लिखना है, और इस एड्रेस पर भेज देना है। 15 जून से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तो यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपको जरूर जो है यहाँ पर पहुँचाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई आप लोग देखिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर भेजने हैं, तो ये आपको डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो इसको ज़रूर जो है यहाँ पर आपको भेजना होगा। अब देखिए, अप्लाई तो हो गया, उसके बाद अब एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है आपको होगा, जो कि मोस्टली जो है कलकत्ता में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड होगा, और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट
के बात करूँगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होगा, OMR या कंप्यूटर बेस्ड होगा। और देखिए यहाँ पर पार्ट वन में 50 जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें कि रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पार्ट सेकेंड में 25 क्वेश्चन के जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 1 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगा। उसके बाद पार्ट थर्ड में कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे, यहां पर भी 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। तो देखिए पूरा मैंने बता दिया है, बस आपको टेक्निकल असिस्टेंट के जो पोस्ट होगा उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी आप लोग फॉर्म भरिए। ऑनलाइन भरने के बाद आपको ऑफलाइन भेजना होगा, 500 रुपये लग रहे हैं, तो आप लोग जरूर जो है फॉर्म भरिए। देखिए वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।